भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने आईपीएल के 2024 सीजन से पहले लखनऊ सुपर जायंट से इस्तीफा दे दिया है। अब वो अपनी पूर्व टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी करेंगे, इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद की है। गौतम गंभीर की कप्तानी में केकेआर दो बार चैंपियन बन चुकी है। अभी तक गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर के रूप में काम कर रहे थे। अब 2024 में होने वाले आईपीएल में वो केकेआर टीम के मेंटोर के रूप में नजर आएंगे। ज्वाइन करने के बाद गौतम गंभीर ने केकेआर की जर्सी नंबर 23 पहनकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर फोटो शेयर की है। उन्होंने आज ही लखनऊ सुपर जायंट से इस्तीफा दिया है। इस मौके पर गौतम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भावुक होने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन आज अलग ही फीलिंग है। जहां से सब कुछ शुरू हुआ वहीं पर लौटने जैसा अनुभव है। आज मेरा गला भराया, मेरे दिल में पहले जैसी ऊर्जा भराई है, क्योंकि फिर से सुनहरे पर्पल रंग की जर्सी पहनने के लिए सोच रहा हूं। गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स दो बार 2012 और 2014 में चैंपियन रह चुकी है। गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2007 और एक दिवसीय विश्व कप 2011 की टीम के सदस्य थे। वो 2011 में केकेआर से जुड़े और 2017 तक टीम का हिस्सा रहे। गौतम गंभीर 2008 से 2018 तक खिलाड़ी की हैसियत से आईपीएल खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कोलकाता और दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व किया। गंभीर ने आईपीएल करियर में कुल 154 मैच खेले, 31.23 की औसत और 123.88 स्ट्राइक रेट से कुल 4217 रन बनाए, जिसमें 36 अर्धशतक भी अपने नाम किया।